सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये लड़की सोती कब है और उठती कब है? आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब पूजा से पहले पूजा का पूरा थाल इसने सजा के ना रखा हो हमारे लिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सिद्धि और माचिस रखना भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी बेटी कभी कुछ नहीं भूलती। हमी ने माचिस ले ली थी किसी दूसरे काम के लिए। अब आप सुबह सुबह भगवान के सामने खड़े होकर हमारी बेटी को दोष देना बंद कीजिए। इस घर की असली रोशनी तो सिद्धि है। आपकी बीमारी के बाद अगर उसने माया स्वीट्स ना खोली होती तो घर का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो जाता। घर संभालती है, दुकान संभालती है, माया की जिम्मेदारी भी संभालती है। हमारे सोने के बाद सोती है और हमारे उठने से पहले उठ जाती है। आपकी बीमारी के बाद तो कभी हमने उस बिस्तर पर देखा ही नहीं। आज का दिन तो वैसे भी खास है उसके लिए। आज सुबह 4 बजे उठकर दुकान जाने वाली थी वो। 4 बजे ना उठते तो तुम्हें क्या लगता है हम ये सब कर पाते? ये मावा बर्फी मोतीचूर के लड्डू बालूशाही इमरती कलाकंद प्रसाद के लड्डू, अब फटाक से इन सबको डब्बों में बंद करो और तड़ाक से हमारे घर भिजवाने की तैयारी करो। घर दीदी, आज सुबह सुबह घर में बहुत बड़ी पूजा होती का? पूजा नहीं, मगर आज का दिन ऐसा दिन है जो भगवान सैकड़ों बरसों की पूजा के बाद किसी किसी को देता है। अब जल्दी करो, 9 बजे हम फिर से आएंगे और झट से भट्टी सुलगा के फट से दुकान के बाकी ऑर्डर वाली मिठाई भी बना देंगे। चलो। अरे दीदी, आप इस झट और पट के बीच में सांस कौन से टाइम में लियो? आप तो 10-10 आदमियों का काम एक साथ कर रही हो। आपको देखकर तो बस एक बात याद आती है कि आखिर जा लड़की बनी कौन सी माटी की हदी। कहने को तो हम सौतेली माँ है सिद्धि की, लेकिन जो प्यार और इज्जत वो हमें देती है ना, वो आजकल की सगी औलादे भी अपने माँ बाप को नहीं दे पाती। हमारी माया को तो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। बहन हो तो ऐसी बहन जिसे मिल जाए उसे भगवान से कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 22 साल पहले आज ही के दिन भगवान ने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमारे इन छोटे छोटे हाथों में रख दी थी और तब से हमने उसे अपने सीने से लगा के रखा है। आज हमारी माया का जन्मदिन है। जन्म हमने दिया है माया, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार करती है सिद्धि माया को। बचपन से ही माया के आंसुओं को जमीन पर गिरने से पहले अपनी हथेलियों पर ले लिया है उसने। कहाँ रह गई ये लड़की? अरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आज उसकी छोटी बहन का जन्मदिन जो है, कर रही होगी कहीं धूमधड़ाका। लगता है माया अभी तक सो रही। मुझे पता है उसे कैसे जगाना। We'll be right back.
बनूं, तुझको मैं इतना प्यार दूं, धड़कन भी तुझी पे मैं वार दूं, मैं वार दूं, तू चाहिए हर दम जरूर। हैप्पी 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 बर्थडे माया, तेरे लिए है आज हमारी माया का जन्मदिन है और आज हम आप सबको हमारे हाथ की बनी मिठाई खिलाएंगे। चल चमकी। ये शर्मा जी की छोटी वाली कितनी सुंदर है ना, जिसके भी घर जाएगी उजाला कर देगी ये। आज माया का बर्थडे है, चलो बच्चों नाचते हैं। लगता है नहीं नहीं आई हो, अभी लेकर आते हैं इनकी सच्चाई तुम्हारे सामने। शर्मा जी की लड़कियों का सच, बड़ी वाली सांवली और छोटी वाली बांवली। इनके यहाँ जन्मदिन का ढोल तो हर साल बजता है, लेकिन शादी का ढोल जिंदगी में कभी नहीं बजेगा। नहीं जोड़ेंगे भाई, किसी को नहीं जोड़ेंगे। शांत हो जा माया। छोटी बहन माया की जिम्मेदारी मैं उम्र भर उठाऊंगी, चाहे जो हो जाए, क्योंकि उसका दिमाग से बच्चा होने का कर मैं, क्योंकि 12 साल की उम्र में मेरी वजह से उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसका असर उसके दिमाग पर पड़ा और वो इस तरह बच्ची बन गई। सिद्धि, माया को धक्का मारा, माया को धक्का मारा, मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को। माया दुखी रहती है। माया बड़ी सियानी है, नहीं किसी से डरती है, पर गुस्सा नहीं करती है। सिद्धि उसकी बहन है, तेरे बिना नहीं रहना है। एक सिद्धि ही है जो माया को संभाल सकती है, इन दोनों की जोड़ी बनी रहे। इस घर के बाहर बारात भी आएगी और बैंड भी बजेगा, कुछ भी हो हम जल्दी ही सिद्धि के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ के रहेंगे। माया देखो तुम्हारे जन्मदिन पर हम क्या लेकर आए। गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, वाव गिफ्ट। Thank you.
मैं चलाऊंगी। अरे वाह माया, इसका तो पेट्रोल भी कभी खत्म नहीं होगा। सिद्धि बेटा, ये तेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी है, इसे तू हमेशा अपने गले में पहन के रखना। इसे हमारी माँ पहना करती थी बाबा, फिर तो हम इसे कभी अपने से अलग नहीं करेंगे। क्या ये चेन हमें क्यों नहीं मिली? सिद्धि को क्यों मिली? हमें भी ऐसी चेन चाहिए, हमें भी चाहिए, अभी चाहिए। अरे अरे बेटा, ऐसे नहीं करते, ये सिद्धि के लिए है। क्यों सिद्धि क्यों पहनेगी? हम क्यों नहीं पहनेंगे? हमें भी ऐसी चेन चाहिए, हम भी पहनेंगे, हमें चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है, माया को ये चेन मिलेगी और अभी मिलेगी। कितनी अच्छी है सिद्धि, तू ना बहुत अच्छी है, तू सबसे अच्छी है। बेटा ये चैन तो बाबा, माया और मैं कोई अलग थोड़ी ना, जो सिद्धि का है वो माया का भी तो है। जो सिद्धि का है वो माया का भी है, जो सिद्धि का है वो माया का भी है, जो सिद्धि का है वो माया का भी है। सिद्धि चल मंदिर चलते हैं, चल देखते हैं मंदिर की सीढ़ियों पे सबसे पहले कौन पहुंचता है, ठीक है? 1 2 3 गो। माया ध्यान से, बाबा मैं आई। धीरे माया, धीरे धीरे माया, माया माया रुको, माया आराम से, धीरे। अरे माया रुक जाओ, चल सिद्धि, हम तो यहाँ तक आते आते थक गए, अब इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के कान्हा जी से मिलने नहीं जा सकते, घर वापस चलते। माया ऐसे नहीं कहते, जन्मदिन वाले दिन तुम यहाँ तक आई और कान्हा जी का आशीर्वाद नहीं लिया तो उन्हें कैसा लगेगा? तो कान्हा जी को बोला ना कि वो मुझसे मिलने यहीं पे चले आए, हमसे सच्ची इतनी सारी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए। माया जो धूप हो छाया बनू, तेरा साथ दो साया बनू, तुझको मैं इतना प्यार दूं, धड़कन भी तुझी पे मैं वार दूं, मैं वार दूं। इतनी बड़ी लड़की अपनी बहन पर बोझ बनकर जा रही है? हमारी बहन हमारे लिए बोझ, कान्हा जी का आशीर्वाद। चलो सुलोचना जी, लड़का तो सचमुच बड़ा अच्छा बताया है आपने, खानदान भी अच्छा है। हे भगवान, इस बार सिद्धि के लिए बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया, हम आपको पूरे 11 लड्डू और 101 रुपए चढ़ाएंगे। बस किसी भी तरीके से रिश्ता होने मत देना। सिद्धि चली गई तो हमारी बेटी का क्या होगा? हम अकेले कैसे संभालेंगे उसे? और इस घर का खर्चा भी तो सिद्धि ही चलाती है। मदद करो भगवान, बस किसी भी तरीके से सृष्टि को रोक लो। लड़के वाले कल ही आ रहे हैं सिद्धि को देखने, लेकिन सिद्धि का रंग रूप देख के बात फिर से ना बिगड़ जाए, ऐसे में दहेज की रकम से बात बन सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह इंतजाम कर लूंगा। नहीं,
मैं इन्हें सब कुछ लुटाकर सिद्धि की शादी नहीं करवाने दूंगी। लड़का चाहे गरीब हो या किसी बड़े घर का बेटा, नहीं होगी सिद्धि की शादी। गुप्ता जी, एक बार फिर से आप सोच लीजिए। आगरा के सबसे बड़े व्यापारी से आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर आप हमारे साथ डील कर रहे हैं, बाद में कहीं आपका इरादा बदल तो नहीं जाएगा? इरादा कमजोर लोगों का बदलता है। हमें ना जया क्रिएशन का डर है और ना ही मिसेज जया पांडे का। बहुत उछलते हैं ये दोनों माँ बेटे। आने वाले कुछ ही दिनों में उनकी कंपनी का नाम तक आगरा के मार्केट से मिटा के रख देंगे। मुश्किल है। मेरी माँ कहती है गुप्ता जी कि जूतों का व्यापारी अगर अपने जूते से बाहर निकल के बात करने की कोशिश करे तो उसे अपने सिर पे जूते खाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये क्या है? जूता। आप दोनों के लिए एक न्यूज है। आप दोनों की कंपनीज के सारे शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स जया क्रिएशंस के नाम पे बेच दिए है। हाँ, कीमत डबल देनी पड़ी मुझे, लेकिन आप दोनों को सबक सिखाना भी तो जरूरी था। ऐसा मत कीजिए प्लीज। हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस यही एक चीज है जो विनायक पांडे की डिक्शनरी में ढूंढने से भी नहीं मिलती। विनायक पांडे की कंपनी उसकी माँ के नाम से, जया पांडे के नाम से, और उनके नाम का हमारे लिए क्या मतलब है ये हमारे दोस्त और दुश्मन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वृंदावन में काश्रम है, ये चिट्ठी वहां के मिश्रा जी के नाम से। आप दोनों चाहे तो वहां जाके अपने आगे का जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। बहुत घमंड है ना इसे अपने ऊपर। देखना, एक दिन कोई इसे ऐसा मिलेगा जो इसके दिमाग को ठिकाने पर लाकर रहेगा। इंसान अपने प्यार से किसी को भी ठीक कर सकता है। वैसे हाँ, आज का ये ऑर्डर ना टाइम से रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी ना कैश पेमेंट देने वाला है। उस कैश से हमें बाबा के लिए दवाई लेनी है और माया को बहुत सारी शॉपिंग करानी है। पहले मसाला, फिर प्याज, फिर टमाटर, फिर मिर्ची और फिर नींबू। अरे दीदी, माया ने तो पूरे दूध को सत्यानाश कर दिया है। वो बस बस माया, कुछ नहीं हुआ है।
कुछ कुछ भी नहीं हुआ। चुमकी, इतनी सी बात के लिए चिल्लाने की क्या जरूरत है? इतनी सी बात? इतना सारा दूध शाम से पहले पूरे आगरा में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, वो मिठाई रेडी है ना, आधे घंटे में मिठाई पहुंच जानी चाहिए। आधे घंटे में मिठाई पहुंचाना चाहिए। जी जी दीदी, अब तो ऑर्डर कैंसिल करना ही पड़ेगा। ऑर्डर सच में कैंसिल करना पड़ेगा? नहीं माया, कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। अब कैसे बनेगी मिठाई? इनके पसंद की मिठाई ना से, लेकिन फटे हुए दूध से हम रसगुल्ले तो बना सकते हैं ना झुमकी। हम उन्हें ऐसे रसगुल्ले खिलाएंगे कि वो उनके पसंद की मिठाई भूल ही जाएंगे। ये हमने बना दिया, हम माया की शॉपिंग के लिए झट से जाएंगे। झट से आ जाएंगे। क्या ढूंढ रहे हैं आप? घर के कागज नहीं मिल रहे हैं। लेकिन घर के कागज क्यों चाहिए आपको? अब सिद्धि का रिश्ता तय होने जा रहा है तो पैसे का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना सुनैना जी। वर्मा जी बड़े साधारण ब्याज पर घर के कागज गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं, एक बेटी के आगे आप दूसरी बेटी को तो भूल ही गए। ले देखे, ये घर ही बचा है हमारे पास। अगर वो भी आपने सिद्धि की शादी के लिए गिरवी रख दिया तो माया के लिए क्या बचेगा? हम है ना सुनैना जी, हम सब देख लेंगे। अभी आप सिद्धि की शादी के बारे में सोचिए। नहीं, हम ये शादी नहीं होने देंगे। और उसके लिए हमें आज ही सिद्धि के सामने कोई बड़ा तमाशा खड़ा करना पड़ेगा कि वो शादी करने से पहले हमारी माया के बारे में सोचे। कितनी अच्छी अच्छी चीजें दिलाई ना तूने मुझे सिद्धि, तू ना बहुत अच्छी है। मेरे जन्मदिन में आज क्या क्या होने वाला है? हम तेरे बर्थडे पे बहुत मजे करेंगे, बहुत धूम मचाएंगे। एक मिनट, हेलो, ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं? ऐसे कोई चलता बीच सड़क पे? आंखें आपकी नहीं है मिस्टर, नो एंट्री का बोर्ड नहीं देखा आपने? इतनी भीड़ वाली गली में इतनी तेज स्पीड से गाड़ी चला के घुसे चले आ रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? आपकी ये जो कोई भी है, ये सड़क के बीचों बीच चल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बाप भी है। खबरदार, जो हमारी बहन को बावली कहा। बावली हमारी बहन? बावली आप जैसे लोग हैं जो बड़ी गाड़ी में बैठ के सारे कायदे कानून भूल जाते। हमारी बहन को कुछ हो जाता तो
अब देख क्या रहे, अगर जरा भी शराफत बाकी है ना तो माफी मांगे हमारी बहन से। तुम शायद मुझे जानती नहीं हो, आई एम विनायक पांडे, जया क्रिएशंस का मालिक हूँ मैं। हाँ तो क्या पूरा आगरा खरीद लिया आपने? देखा नहीं, आपकी वजह से हमारी बहन कितनी डर गई। चलिए माफी मांगे हमारी बहन से। ठीक है, अगर आपकी बहन को कहीं लग वग गई हो तो ये रखो कुछ पैसे, उसका इलाज करो, ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। What the hell? Sorry, तो आपको बोलना ही होगा, वरना हम भी देखते हैं कि आप यहाँ से कैसे जाते हैं। ये अमीरजादे अपने आप को समझते क्या है? पैसे वाले हैं तो क्या किसी को भी मारते फिरेंगे? सॉरी, तो इसे बोलना ही चाहिए। हाँ हाँ, बोलना ही चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। हाँ, इसमें गलत क्या, सॉरी बोलना ही चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। I'm sorry. ध्यान, आगे से ऐसी गलती किसी और के साथ भी नहीं होनी चाहिए। माया को लेके कहाँ जा रही है? उसे दवाई देनी है। माँ, माँ, माँ बात क्या है? माँ, माँ बात क्या है? प्लीज बताइए तो सही, आप माया को कहाँ लेके जा रही है? कुछ नहीं होगा माया, माँ प्लीज बताइए। माँ, माँ ये क्या करने वाली है? माँ, माँ, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ नहीं, जाकर भी हमें आज अपनी ही बेटी को सिद्धि के सामने उसे डराने के लिए इस तरह से खड़ा करना पड़ेगा ताकि सिद्धि से आज हम वो करवा सकें जो हम चाहते हैं। माया क्या कर रही है? आज हम इसे खत्म करके ही छोड़ेंगे। नहीं माँ, नहीं माँ, माया क्या कर रही है? माया कुछ नहीं होगा, माया कब तक बचाओगी इसे तुम? अरे तुम तो ब्याह करके दूसरे घर चली जाओगी, ऐसे भी कब तक संभालेंगे इस अबोध को? इससे तो अच्छा है कुएं में ढकेल के इसका किस्सा खत्म कर दे हम। बाल बाल बच गई हमारी माया, भगवान का शुक्र है। हो क्या गया था माँ आपको? ऐसे भी कोई अपनी बच्ची को कुएं में धकेलता है? अरे तू और क्या करते हो? तुम्हारे बाबा तो बस तुम्हारा ब्याह करके तुम्हें किसी तरह से यहाँ से भेजना चाहते हैं। अरे घर तक गिरवी रखने की सोच रहे हैं वो।
ऐसे में हम माया को लेके अकेले कहाँ जाएंगे? तुम ही बताओ। माया की चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ आपको। हमने हमेशा माया का ख्याल रखा और आगे भी रखेंगे। पर कैसे सिद्धि, तुम तो ब्याह करके दूसरे घर चली जाओगी, तब क्या होगा हमारी माया का? माँ शादी से पहले भी माया हमारी जिम्मेदारी और शादी के बाद भी हमारी जिम्मेदारी ही रहेगी। हम शादी उसी लड़के से करेंगे जिसे शर्त मंजूर होगी। पर नाम जीवन भर शादी नहीं करेंगे। हम माया की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.